नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली। आज हम रामनगर आए हैं, रामनगर बीच में। आज यहाँ G20 की ओर से, यहाँ पर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से मेगा बीच क्लीनिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो है बीच क्लीनिंग का स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग जो है बीच क्लीनिंग में लगे हुए हैं। हालांकि हर जगह हो रहा है, तो उस सेलिब्रेशन G20 का जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत पहले से शुरू किया। जैसे कि हमने देखा, उन्होंने रैली भी किया जो इको एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद हमने देखा कि वो लोग डुगोंग, सेव डुगोंग, जो बहुत रेयर है, जैसे कि हमें सुनने भी मिला और हमें भी पहली बार पता चला कि डुगोंग जो है सिर्फ इंडिया में 3 जगह है और उसमें से एक अंडमान है जो यहाँ पर है। तो वो भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो काफ़ी 1 वीक से काम कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद हमने देखा साइकिल रैली इनका हुआ। उसके बाद नुक्कड़ नाटक, जिसमें हमें कहा गया प्लास्टिक के बारे में, जो प्लास्टिक से जो है कैंसर होता है, उस वजह से अच्छा सा मैसेज वो लोग ने दिया। आज जो उसका एंडिंग कर रहे हैं मेघा बीच क्लीनिंग। और यहाँ पे मुख्य अतिथि बन के हमें अध्यक्ष जी, हमारे नॉर्थन मिडिल के डिगलीपुर के जो एसी सर है, और काफ़ी सारे गेस्ट प्रमुख जी यहाँ पर थे, जो इस आज का जो बी मेगा बीच क्लीन है उसका आरंभ किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक अच्छा एक आयोजन किया है। सिर्फ और सिर्फ सबका यही कहना है, सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट है, लेकिन इसको हम पब्लिक, जैसे कि मैं भी आज सपोर्ट कर रही हूँ और मैं क्लीनिंग में लगी हुई है, और ये टी शर्ट देख रहे हो मेरा, आज भी मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये सिर्फ सबके लिए मैसेज है कि देखिए, तो यहाँ पे हर कोई लगा हुआ है, हर कोई, जैसे कि हमारा असिस्टेंट कमिश्नर देख सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के PRI मेंबर जितने भी हैं, उसके बाद यहाँ पे जुड़े हुए हैं हॉस्पिटल के, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वगैरह, वो लोग भी जुड़े हुए हैं, और सब जो है सफाई में लगे हुए हैं। ये एक सफाई तो हो रहा है, लेकिन हर किसी के लिए एक ना एक एग्ज़ाम्पल, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सब इसे हर टाइम के लिए जागरूकता लाए अपने अंदर और इसे फॉलो करें हर समय। तो आइए देखते हैं, हम भी इनके साथ भाग लेते हैं और साफ सफाई में हम भी थोड़ा इनके साथ देते हैं। धन्यवाद।
हमारे परंपरा बन चुका था सांपों को मारना, क्योंकि हमारी कहावत ही ऐसी हो गई थी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी सांपों को मारना हमारी परंपरा है। ये हम अपनी कहावत से भी हम जानते हैं कि हमारा सांपों से कितना पुराना दुश्मनी है। लेकिन सांप हमारे दोस्त हैं, उसके बारे में जब मैंने जाना सुनामी के बाद, खासकर अंडमान में बहुत सारे स्पेसिस हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है, उसमें खासकर एक किंग कोबरा का स्पेसिस है, तो मैंने शुरू में तो मुझे भी डर लगता था, आस्ते आस्ते सांपों को बारे में जाना और मैं इनको बचाने के लिए आगे आया। तो मैं आपसे भी आमंत्रण करना चाहूँगा कि आप भी इस काम में आगे आए। खाली सांप नहीं, मंच में बैठे मेरे दो बच्चे हैं, मैं उनको भी स्नेक हैंडलिंग सिखा रहा हूँ, आपको सोशल मीडिया में कभी कभार दिख जाता होगा। और इंटर वाइल्ड लाइफ, बिना वाइल्ड लाइफ के आप प्रकृति के बारे में नहीं सोच सकते। एक सोच सबके दिमाग में बैठा है कि भाई पेड़ गाड़ दिया या कोई मुख्य अतिथि को बुला के कोई वृक्षारोपण कर दिया तो हमने प्रकृति प्रेमी हो गए। जो पेड़ ऑलरेडी है उसका देखभाल कौन करेगा? जंगल जो है उसका मालिक वाइल्ड लाइफ है। आप खाली पेड़ को बचाने के लिए, क्योंकि क्यों बचा रहे हैं? पेड़ हमने सुना है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, तो ये सुनकर हमने क्या, इंसान कितना स्वार्थी है। आप देखिए कि पेड़ ऑक्सीजन देती है इसीलिए पेड़ को बचाना है, लेकिन वो पेड़ को कौन बचा रहा है? पेड़ को वाइल्ड लाइफ बचा रहा है। तो हम लोगों ने, मैं मेरे पूरे परिवार वाइल्ड लाइफ, अंडमान के वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कूद पड़े हैं, और जो भी मंच मिलता है मैं कभी छोड़ता नहीं, बड़े से बड़े मंच, छोटे से छोटे मंच में अपने वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाएं ताकि प्रकृति बची रहे। आज देखिएगा हमारे घर के बच्चों को हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने पे तुले हैं, लेकिन आपने सोचा है अगर ये पर्यावरण रहेगा ही नहीं तो हम उनको डॉक्टर इंजीनियर बना के करेंगे क्या? तो हमारी प्राथमिकता क्या है? मैं कल पोर्टब्लेयर से सुबह 9 बजे घर पहुंचा और शाम को फिर मैं दिल्लीपुर के लिए रवाना हुआ, क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम मिस नहीं करना था। इसीलिए अगर पोर्टब्लेयर में मैंने देखा 12 दिन में कोई कंप्लेंट लेके सी एस सर का चैम्बर में आया कि 12 दिन में पानी आती है, तो हालांकि दिल्लीपुर में ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो 12 दिन में पानी आने के लिए जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या हम खुद? हमने दोष प्रशासन को दे रखा है कि प्रशासन हमें पानी नहीं दे रही है। पर्यावरण के साथ में हमने इतना छेड़छाड़ किया है, हमें सजा पर्यावरण दे रही है। तो हमको बहुत पॉजिटिवली इसको बचाना है। ऐसा नहीं है कि मैं फॉरेस्ट का अधिकारी हूँ, मैं सैलरी ले रहा हूँ तो ही मैं बचाऊँ, और मैं फॉरेस्ट का अधिकारी नहीं हूँ तो मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिएगा हेलमेट पहनने वाले, जो भी आज के सभा का मैटर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पुलिस को देखकर हेलमेट पहनते हैं, जैसे लगता है कि वो पुलिस के लिए हेलमेट पहन रहा है, जबकि हेलमेट पहनना उसका जिंदगी बचाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का कानून तोड़ने से पहले देखते हैं कोई फॉरेस्ट वाला देख तो नहीं रहा है, तो हम फॉरेस्ट वाले के लिए मान रहे हैं। जब तक ये खुद के लिए नहीं होगा तब तक ये संभव ही नहीं है, पर्यावरण ऐसे ध्वस्त होता रहेगा और हमें 12 दिन के 12 महीने में पानी मिलना शुरू होगा। तो हम सऊदी अरब बनने से बचाएं अपने आइलैंड को, और खासकर आज जो बीच क्लीनिंग का जो कार्यक्रम है, बहुत जन को ये लगता होगा कि बीच में जो प्लास्टिक वगैरह है, जो समुद्री यात्री जो जहाजों में जाता है वही प्लास्टिक फेंक करके गया, वही समुद्र को गंदा करके गया, ऐसा नहीं है। कितने लोग जहाज में, शिप में ट्रैवल करते होंगे, ये हमारे घर के पीछे हमने जो बोतल फेंक रखे थे, जो प्लास्टिक फेंक रखी थी, बारिश ने वो बहा के समुद्र में, नाली के द्वारा समुद्र लेकर के गया। और समुद्र भी देखिए अपना सफाई खुद करती है, वो अपने अंदर कुछ नहीं रखेगी, वो वापस आपके घर में ठेल दिया है, ले जाओ तुम्हारा कचरा तुम्हें, ले जाओ तुम्हें साफ करो। तो समुद्र ने नाली के थ्रू में जो समुद्र में, या नदी के थ्रू में जो समुद्र में गया था, समुद्र में हमें दे दिया। और खास करके जो मछली पकड़ने वाली जाल है, तो हम इससे कभी ये नहीं कर सकते, समुद्र है तो जाल का रिश्ता समुद्र से रहेगा। और मुझे दुख लगता है, मैंने काफी कई सांपों को जाल में फंस के, फिशिंग नेट में फंस के मरते हुए देखा है। पिछले दिनों मेरे किंग कोबरा मर गए थे, मुझे काफी दुख लगा कि वो जाल में फंस के, मैं अंतिम सांस उसको बचा नहीं पाया, जब भी देखा मैंने एकदम स्लो हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे 2-4 सांप जो जाल में फंस के जो मरे हैं, और जबकि मैं बिल्कुल देर नहीं करता हूँ, अगर कोई कहता है कि जाल में फंसा है तो मैं जानता हूँ उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितना दिक्कत आ रहा होगा, इसलिए मैं तुरंत रात के 12 बजे, मैं 24 घंटा सर्विस में रहता हूँ स्नेक का कॉल में, या मुझे कभी डिग्लीपुर से भी कॉल आता है तो डिग्लीपुर का जो भी एक दो लोगों को मैं जानता हूँ उनको मैं फॉरवर्ड करता हूँ। पोर्टब्लेयर से तो आता रहता है, सबसे बड़ी बात है मुंबई से एक बार कॉल आ गया था मुझे स्नेक रेस्क्यू का, तो मुझे कुछ आता पता नहीं था, तो मैंने बोला वहाँ भी जो भी फॉरेस्ट अधिकारी आप उनसे संपर्क करिए, ऐसे फॉलो करिए। तो आपसे भी गुजारिश है, आज खाली बीच क्लीनिंग ऐसा नहीं है कि हम अपने घर के अगल बगल जो डस्टबिन प्रोवाइड किया जा रहा है, मोदी जी जो ये लगे पड़े हैं जो स्वच्छ भारत मिशन में, जो ये बीच क्लीनिंग है,
और वो बीच क्लिनिक का साथ में स्वच्छ भारत का क्या है, एक मिशन का क्या कनेक्शन है? वही कनेक्शन है जो आप फेंक रहे हैं अगल बगल गाड़ी से, कोई बहुत जन देखे हम लोग, मेरे बच्चे गाड़ी से उस चॉकलेट के रैपर भी नहीं फेंकते हैं, उनको गाड़ी में रखेंगे, हम लोग वापस घर जाएंगे, घर का डस्टबिन ये हो जाएगा, सीधा घर का डस्टबिन से पंचायत का लोग आएगा उसको लेकर के वो डिस्पोजल में सीधा ये होगा। तो हम अपने बच्चों को आदत डालें, हम अगर सोचेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं पता, हम लोग दूसरों को सिखाने लगते हैं, हम इंसान हैं, सिखाने में मास्टर है, ज्ञान देने में मास्टर है, दूसरों को सिखाएंगे खुद नहीं सुधरेंगे। एक या दो दिन करने से हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जब तक ये हमारी दिनचर्या में, हमारे लाइफस्टाइल में ये आदत ना आ जाए कि प्रकृति को बचाना है, साफ सुथरा रखना है, प्लास्टिक का कैसे रिस्पॉन्सिबल यूज करना है, कैसे रिसाइकल करना है, ये जब तक हमारी दिनचर्या लाइफस्टाइल में नहीं आएगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन एक या दो दिन ऐसे कोई क्लीनशिप करने से उसका कोई फायदा नहीं होगा। प्रकृति हमसे बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, तो हमको भी उस विशालता को समझते हुए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है डेली बेसिस पे। बच्चों को भी सिखाना है, बिकॉज ये यंग जनरेशन है, जैसा हम उनको सिखाएंगे और वैसा ही होगा। तो ये जो पहल हुई है भारत सरकार के द्वारा कुछ सालों में, बड़ी खुशी होती है कि हम लोग भी इस मैरीटाइम फ्रंट से जुड़े हैं, कोस्ट गार्ड के होते हुए हम भी ऐसे कई फंक्शन करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होना। मेरे साथ बाकी ऑफिसर भी आए हैं, बाकी मैन भी आए हैं, तो यहाँ से कुछ सीख लेके जाएंगे और कोशिश यही है कि आप लोग सभी आज पार्टिसिपेट करिए और यहाँ से एक लेसन लेके जाइए कि ये केवल एक दिन का कार्यक्रम ना हो, ये हमारी दिनचर्या में आए, हमारी हैबिट बने। ये हम लोग हमेशा देखते हैं, या जिसने ट्रैवल किया है बाहर कंट्रीज में, मॉरिशियस, सेशल्स, मालदीव्स, करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यहाँ भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्र और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करता रहूंगा। मैं अपने भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।